से ये उपयुक्त पाया गया कि वहां पुलिस आयुक्त की प्रणाली लागू की जाए और वहां इस जनपद की जनसंख्या 2011 के अनुसार 44,18,797 है। उसी प्रकार गाजियाबाद में जो बदली हुई औद्योगिक परिस्थितियां हैं, एनसीआर का रीजन है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बिजी डिस्ट्रिक्ट है, आपराधिक स्थिति कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 2011 इसे भी पुलिस कमिश्नरेट में कन्वर्ट करने की का निर्णय लिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए 2011 के जनसंख्या के हिसाब से इसकी जनसंख्या 46,61,452 है। प्रयागराज आप जैसा कि जानते हैं धार्मिक और अन्य सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नगर और जिला है। आने वाले 2025 में यहाँ महाकुंभ का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसकी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक भी प्रयाग जाकर के किया था। उस इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और वहाँ की कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी और इस बात को भी दृष्टि में रखते हुए कि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 2011 की जनगणना के अनुसार 59,54,000 मतलब कि लगभग 60 लाख वहाँ की जनसंख्या है, तो इन सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ के अपराध, संगठित अपराध, लोक व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए इन तीनों जगहों पर पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था करने की। अब ये बात अलग से निर्णय किया जाएगा कितना स्टाफ कितना। ये मंत्रिपरिषद का विषय नहीं होता है, पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग ये मंत्रिपरिषद का विषय। वाराणसी एक अगला प्रस्ताव और बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, वो ये है कि वाराणसी में रोपवे के विकास के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट, पायलट कॉरिडोर के अंतर्गत वहां का जो जो उसका मार्ग जो चिन्हित किया गया है जीपीएस के आधार पे, उसको माननीय मंत्रिपरिषद ने उसे मंजूरी दिया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में रोपवे परियोजना, आप जानते ही हैं कि रोपवे परियोजना निजी विस्तारों के लिए या थोड़े दूर जो क्या अनड्यूलेटिंग जो लैंडस्केप होता है ऐसे क्षेत्रों के लिए उन वहां के रोपवे को का विकास जो है बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। उसमें वाराणसी का जो कैंट रेलवे का क्षेत्र है, काशी विद्यापीठ का जो क्षेत्र है, रथ यात्रा क्षेत्र है, गिरजाघर क्षेत्र है, गोदौलिया के अंतर्गत आने वाले ये जो सारे जो क्षेत्र है उनके उनको कोऑर्डिनेट उनके कोऑर्डिनेट्स को परिभाषित करते हुए रोपवे के विकास के एक अभी मोटी मोटी रूपरेखा को माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। अभी इसका डिटेल जो स्टडी है, डिटेल इसका चिन्हांकन बाद में होगा, लेकिन प्राथमिक मंजूरी माननीय मंत्रिपरिषद ने आज इसको दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।